हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अरे रिप्लाई करो, कैसे हो? ठीक है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन, उसकी मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ बेसिक एंट्री भी कवर की थी, लाइक गुड्स सोल्ड की एंट्री, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री, उसके बाद फिर चार बेसिक केसेस हम लोग ने कवर किया था, ठीक है। वो केसेस में क्या क्या था आपका? पहला क्या था? रिटेनिंग था, दूसरा डिस्काउंटिंग था, तीसरा एंडोर्समेंट था, और चौथा क्या था बोलो माय डियर? बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। पिछले वीडियो में हम लोग ने ये सब कवर किया था, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी आज हम लोग आगे के टॉपिक क्या वो कवर करेंगे, मतलब जो एंट्री बची हुई है, ठीक है। मैंने कुछ एंट्रीज पिछले वीडियो में कवर की है, अभी जो एंट्री बाकी है वो सारी एंट्रीज में आज इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा मैं, ठीक है, क्लियर हुआ। वन बाय वन सारे एंट्रीज को हम लोग समझते हैं। अच्छा, हम जो एंट्री सीख रहे हैं वो एज पर द स्टोरी सीख रहे हैं, स्टोरी के हिसाब से। स्टोरी में एग्जैक्टली स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? स्टोरी के अंदर पहले ड्रॉवर ने, दैट मीन्स कि ए ने बी को गुड्स बेचा था, उसके बाद फिर बिल ड्रॉन हुआ था, फिर वो बिल ड्रॉन होने के बाद उस बिल को ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया था, ड्रॉवी ने एक्सेप्ट किया था, सिग्नेचर किया और रिटर्न बैक टू दी ए, और वो बिल ए के पास आ गया, और वो बिल दो महीने के लिए बना था, फॉर द टू मंथ, ठीक है। उसका जो समय था, टाइम पीरियड, वो टू मंथ का था, क्लियर हुआ। अब वो दो महीने तक बिल तो ए के पास रहेगा, अब उसके बाद उस बिल के साथ में कितने केसेस होंगे? चार केसेस मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था। पहला केस क्या था बोलो माय डियर? रिटेनिंग। दूसरा केस? डिस्काउंटिंग। तीसरा केस? एंडोर्समेंट। और चौथा केस? बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो हमको एक सिस्टमैटिक वे में जाना एज पर द स्टोरी, गुड्स सोल्ड, बिल ड्रॉन, फिर चार केसेस, ठीक है। आज अब हम आगे के एंट्रीज को कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। हॉनर ऑफ बिल, क्या बोलो? हॉनर ऑफ बिल। अब हॉनर ऑफ बिल के अंदर वो चार केस होगा, पहले वो चार केस का बेसिक था, अभी अंडर द हॉनर ऑफ बिल वो चार केस होगा, ठीक है। अब वो चारों केस में बिल क्या होगा? हॉनर होगा। अच्छा, व्हाट इज द हॉनर ऑफ बिल? बिल का हॉनर होने का मतलब क्या होता है? अगर ऑन द ड्यू डेट अगर ड्रॉवी बी अगर ए को पेमेंट कर देता है, या फिर किसी को भी जिसके पास बिल होगा, अगर उसको पेमेंट हो जाएगा, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉनर ऑफ बिल। अगर ऑन द ड्यू डेट अगर ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया, अगर ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉनर ऑफ बिल। मे भी हो सकता है कि वो पेमेंट बैंक को गया हो, सी को गया हो, या फिर खुद ए ने रिसीव किया रहेगा, ठीक है। वो केस पर डिपेंड करता है कि कौन से केस में बिल हॉनर हुआ है। चार केस है, पहला रिटेनिंग, दूसरा डिस्काउंटिंग, तीसरा एंडोर्समेंट, और चौथा बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ बी। हॉनर मींस ऑन द ड्यू डेट, ऑन द मैच्योरिटी डेट पेमेंट हो गया, चलो, इन द बुक्स ऑफ ए। आप जरा मुझे बताओ, रिटेनिंग वाले केस में बिल किसके पास था? ए के पास। ए ने खुद बिल को अपने पास रखा था, होल्ड किया था। सो ऑन द ड्यू डेट बिल का पेमेंट किसको होगा? ए को। जिसके पास बिल होगा पेमेंट उसी को होगा, आ रहा समझ में? जिसके पास बिल होगा पेमेंट उसी को होगा। तो ऑन द ड्यू डेट बिल किसके पास है? ए के पास है। और रिटेनिंग का केस क्या कहता है? कि जिसके पास बिल रहेगा, आ रहा समझ में? अगर ए ने खुद के पास बिल रखा तो वो रिटेनिंग होगा। तो रिटेनिंग वाले केस में बिल किसके पास था? ए के पास था, तो ए को पेमेंट होगा। तो अब ए को पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कैश बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, ए को पैसा मिल रहा है, तो फिर क्या होगा बोलो? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, पैसा मिल गया, बिल रिसीवेबल फाड़ के फेंक दो, खत्म उसका स्टोरी, आ रहा समझ में? बिल्स रिसीवेबल खत्म, कैंसल, गायब, गोज आउट। तो यहां पे क्या आएगा? टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सो इन द केस ऑफ रिटेनिंग एंट्री क्या बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश बैंक डेबिट क्यों हुआ मालूम पड़ा? क्योंकि ए को पैसा मिला, ए के सोच के हिसाब से मेरे पास पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया तो बिल का वैल्यू खत्म, पेमेंट हो गया, बिल को फाड़ के फेंक दिया, और बिल को फाड़ के फेंकने मतलब बिल कैंसल, और वैसे भी ड्यू डेट है,
अगर पेमेंट नहीं भी होता तो ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाता, पैसा मिला बिल को फाड़ के फेंक दिया, बिल कैंसिल, ओके, सो बिल रिसीवेबल गोज आउट, खत्म, कैंसिल हो गया। सो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अभी वहां पे साइड में इन द बुक्स ऑफ बी, अभी वहां से बी अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा, माय डियर बी ने बिल का पेमेंट किया, बी ने बिल का पेमेंट किया तो बिल्स पेएबल का पेमेंट हुआ, बिल्स पेएबल उसके लिए लाइबिलिटी थी, उसकी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अभी वो खत्म हो रहा है तो क्या बन जाएगा, डेबिट, तो बिल्स पेएबल डेबिट में आ जाएगा। या फिर आप सोचो कि वो बिल का पेमेंट कर रहा है उसके लिए वो बिल्स पेएबल एक्सपेंस और लॉस होगा, तो बिल्स पेएबल को डेबिट में लिख दो, या फिर बिल्स पेएबल उसके लिए लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस होता है, आज वो खत्म हो रही है, उसका पेमेंट हो रहा है, तो वो बिल्स पेएबल क्रेडिट से उठकर डेबिट में आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पेमेंट किया, तो इसके पास से क्या चला जाएगा, कैश बैंक, बी के पास से कैश बैंक चला जाएगा, गोज आउट, कैश बैंक गोज आउट, क्रेडिट वार्ड गोज आउट, और बी ने बिल्स पेएबल का पेमेंट किया, उसका लाइबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो लाइबिलिटी को होता है क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जब वो खत्म होगा तो वो क्रेडिट से मूव होकर डेबिट में जाएगा, आ रहा है समझ में, इसीलिए बिल्स पेएबल डेबिट में है। या फिर ऐसे समझो आप लोग कि बिल्स पेएबल एक्सपेंस और लॉस, उसके लिए वो उसका बिल का पेमेंट कर रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई डाउट बेटे, क्लियर हो गया? सो इन द केस ऑफ रिटेनिंग, हॉनर्ड की एंट्री, रिटेनिंग के केस में हॉनर्ड की एंट्री। अगला डिस्काउंटिंग, आप जरा मुझे बताओ डिस्काउंटिंग वाले जो केस में बिल किसके पास था, बैंक के पास, क्योंकि हम लोगों ने पहले बिल को बैंक में डिस्काउंट करके वहां से पैसा ले लिया था, तो आज ड्यू डेट है, आज बिल का पेमेंट होना है, क्योंकि हॉनर्ड का मतलब क्या होता है, पेमेंट होना ऑन द ड्यू डेट, तो बी है ना, बी किसको पेमेंट करेगा, क्योंकि जिसके पास बिल रिसीवेबल होगा उसको पेमेंट मिलेगा, तो डिस्काउंटिंग वाले केस में बिल किसके पास है, तो एट द एंड पेमेंट किसको होगा, बैंक को पैसा मिलेगा, आ रहा है समझ में। तो अभी हॉनर्ड वाले केस में किसके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, बोलो, बी पेमेंट करेगा बैंक को, बी पेमेंट करेगा बैंक को, तो स्टोरी में कौन है, बैंक और बी है, स्टोरी में कौन है, बैंक और बी है, बैंक को पैसा मिलेगा और बी पेमेंट करेगा, ये स्टोरी में क्या ए का इन्वॉल्वमेंट है, तो नो एंट्री आएगा, वेरी सिंपल। जिनके बीच में ट्रांजैक्शन होगा वो लोग अपने अपने बुक्स में एंट्री पास करेंगे, तो बी ने पेमेंट किया बैंक को, तो ये स्टोरी में ए है ही नहीं, इसलिए ए के बुक में एंट्री नहीं आएगा, बट बी ने तो पेमेंट किया भाई लोग, बट बी ने तो पेमेंट किया ना माय डियर, बी ने पेमेंट किया ना, तो पेमेंट करने की एंट्री तो सेम रहेगी, पेमेंट किसको भी हो, चाहे वो ए को हो, चाहे वो सी को हो, चाहे वो बैंक को हो, पेमेंट की एंट्री ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी, वो ऑलवेज क्या कर रहा है, अपना लाइबिलिटी अपना वो डिक्रीज कर रहा है, कर्जा खत्म कर रहा है, तो कर्जा मतलब लाइबिलिटी, वो क्रेडिट से उठकर डेबिट में जाएगा, बिल पेमेंट उसके लिए एक्सपेंस एंड लॉस है, वो पे कर रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ऑलवेज एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो क्या रहेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू पेमेंट किया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ऑलवेज एंट्री सेम रहेगा, ऑलवेज एंट्री सेम रहेगा। तो इन द बुक्स ऑफ ए डिस्काउंटिंग में एंट्री क्यों नहीं आ रहा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है, बी और बैंक के बीच में हो रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है पेमेंट और बी पेमेंट कर रहा है, तो पिक्चर में ए है ही नहीं, इसीलिए ए के बुक में एंट्री नहीं आएगा। नेक्स्ट एंडोर्समेंट, आप जरा मुझे बताओ एंडोर्समेंट वाले केस में किसको पेमेंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल सी के पास है, इसीलिए सी को पेमेंट मिलेगा, और पेमेंट कौन करेगा, बी, क्योंकि बिल किसके नाम पे बना है, बी के नाम पे, ड्रॉवी के नाम पे, तो ड्रॉवी बिल का पेमेंट करेगा ऑन द ड्यू डेट, और बिल किसके पास है, सी के पास है, तो आप जरा मुझे बताओ बी पेमेंट कर रहा है सी को, तो स्टोरी में ए है ही नहीं, इसीलिए ए के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, ए के बुक में क्या आएगा, नो एंट्री, क्योंकि स्टोरी में सी है ही नहीं, बी पेमेंट कर रहा है,
बी पेमेंट कर रहा है सी को, स्टोरी में ए है ही नहीं, इसलिए ए के बुक में नो एंट्री। आ रहा है समझ में? क्योंकि बी पेमेंट कर रहा है सी को, स्टोरी में ए है ही नहीं, इसलिए ए के बुक में नो एंट्री। बट ये भाई तो पेमेंट कर रहे हैं ना, तो इनके लिए तो एंट्री सेम रहेगा। अब वो बार बार पेमेंट करे तो एंट्री सेम रहेगा, तो पेमेंट की एंट्री क्या रहेगी? भाई सेम कॉपी, सेम एज अबव, ठीक है, सेम एज अबव, सेम एंट्री। अगला, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अभी ये वाले केस में बिल किसके पास था? बैंक फॉर कलेक्शन वाले के पास। तो बी बैंक फॉर कलेक्शन वाले को पेमेंट करेगा, फिर बैंक फॉर कलेक्शन वाला क्या पैसे खुद के पास रखेगा? नहीं, हमने सिर्फ उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कलेक्शन करने की, उसको ये नहीं बोला था कि पैसा ले खुद के पास रख ले भाई तू, नहीं। वो क्या करेगा? बी से पैसा लेगा और पैसा पूरा इकट्ठा करके टोटल पैसा हमें दे देगा। तो एग्जैक्टली स्टोरी में होगा क्या? बी पेमेंट करेगा बैंक फॉर कलेक्शन वाले को, बैंक फॉर कलेक्शन वाला पेमेंट करेगा हमको, तो फाइनली पैसा हमको ही मिल रहा है ना। तो इसका मतलब ये पिक्चर में हम आ गए, हम मतलब कौन? ए ड्रॉवर। तो ड्रॉवर अपने बुक्स में एंट्री पास करेगा, क्योंकि एट द एंड फाइनली बिल का अमाउंट कौन रिसीव करेगा? बोलो ए। तो ए के बुक में एंट्री तो आना पक्का है। चलो, ए ने मनी रिसीव किया तो एंट्री क्या बनेगी? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, बैंक फॉर कलेक्शन वाला क्या फ्री में काम करेगा? नहीं, वो कुछ बैंक चार्जेस चार्ज करेगा। तो बैंक चार्जेस ए के लिए क्या होगा? एक्सपेंस एंड लॉस, पूरा अमाउंट नहीं मिलने वाला, कुछ पैसे कट जाएंगे एज ए बैंक चार्जेस, सर्विस चार्जेस, जो कि ए का लॉस है। क्योंकि ए क्या बोलेगा? मुझे थोड़ा बहुत पैसा कम मिल रहा है ना, तो मेरा तो लॉस हो गया। तो क्या आएगा बोलो? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, बिल का पैसा इकट्ठा करके कौन दे रहा है हमको? सो क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? बैंक फॉर कलेक्शन वाला। सो यहां पे क्या आएगा? टू बैंक फॉर कलेक्शन, टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। और वहां पर बी तो क्या कर रहा है? बार बार पेमेंट कर रहा है, तो बार बार एंट्री क्या रहेगी? सेम रहेगी। बोलो एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट। कोई डाउट? तो हमने ये चारों एंट्री सीखी इन द केस ऑफ ऑनर, ठीक है। आपको सीक्वेंस में जाना है, गुड सोल्ड, बिल ड्रॉन, फिर वो चार बेसिक केसेस, फिर वो चारों केस का ऑनर, ठीक है। अब हम आगे सीखते हैं, बड़ा क्लियर हो गया क्या? ठीक है, अब आगे हम सीखेंगे डिसऑनर्ड, वही चारों केस में डिसऑनर्ड, चारों केस में क्या माय डियर? बोलो डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड की एंट्री तो बहुत इजी है, वेरी सिंपल। डिसऑनर्ड, ठीक है, अंडर क्या रहेगा? पहले बोलो क्या रहेगा? रिटेनिंग, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बेटा आ रहा है समझ में? ठीक है, अब ये चारों केस डिसऑनर्ड, ये चारों केस डिसऑनर्ड, ठीक है। चलो, रिटेनिंग वाला बिल अब क्या होगा? डिसऑनर्ड होगा। कौन सा बोलो बेटा? रिटेनिंग वाला बिल क्या होगा? डिसऑनर्ड। उसके बाद फिर डिस्काउंटिंग, फिर एंडोर्समेंट, फिर बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। बेटे अब डिसऑनर्ड में क्या होगा? व्हाट इज द डिसऑनर्ड? डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है? बिल कैंसल हो जाना, ऑन द ड्यू डेट बी ने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए वो बिल क्या होगा? डिसऑनर्ड। तुमने बाउंस वर्ड सुना है? बाउंस वर्ड समझो वही है, ठीक है। बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लैंग्वेज में बाउंस नहीं बोलते, क्या बोलते? बिल डिसऑनर्ड। तो अगर ऑन द ड्यू डेट अगर बी पेमेंट नहीं करेगा बिल का, तो वो बिल क्या हो जाएगा? कैंसल, डिसऑनर्ड, बाउंस, डिसऑनर्ड। इसका मतलब कि ऑन द ड्यू डेट पेमेंट नहीं मिला, इसीलिए वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड।
तो डिसऑनर्ड में, डिसऑनर्ड के केस में वो चारों में एंट्री क्या आएगी? ठीक है, चलो रिटेनिंग स्टार्ट करते हैं। रिटेनिंग बेटे, अच्छा बेटा ये चारों केस में मैं आपको एक सिंपल एक ट्रिक देता हूं कि अगर डिसऑनर्ड वाला आएगा ना तो आप सिंपली क्या करो मालूम है क्या? ऑलवेज डेबिट में बी लिख दो, बीज अकाउंट डेबिट, ऑलवेज डेबिट में लिख दो बीज अकाउंट डेबिट, ऑलवेज डेबिट में क्या लिख दो बीज अकाउंट डेबिट, ऑलवेज डेबिट में क्या लिख दो बीज अकाउंट डेबिट। एक सिंपल रूल है, अगर बिल डिसऑनर्ड हुआ किसी भी केस में तो आप क्या करो डेबिट में फिक्स कर दो कि बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट। अच्छा इसके पीछे रीजन क्या है क्यों डेबिट हो रहा है बार बार? क्योंकि बिल कैंसिल हो गया तो दोबारा वापस से मेरे डेटर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मेरे डेटर्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। और डेटर का बढ़ना मतलब डेबिट, इसीलिए ऑलवेज मैं बार बार बी को डेबिट में रख रहा हूं। ठीक है, बट इतना लंबा मत सोचो, आप सिंपली वे में ट्रिक से समझो, आप डेबिट में बी का नाम फिक्स कर दो। Yes. कि अगर डिसऑनर्ड वाला अगर कोई केस आएगा तो फिर डेबिट में बी का नाम फिक्स कर दो आप लोग, चाहे वो रिटेनिंग वाला, डिस्काउंटिंग वाला, एंडोर्समेंट, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, कोई भी केस हो आप डेबिट के प्लेस पे ड्रॉबी का नाम क्या कर दो? फिट कर दो, फिक्स एकदम। अब टू मतलब कि क्रेडिट में अब किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा? जिसके पास बिल होगा, जिसके पास क्या होगा माय डियर? बिल होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि डेबिट में फिक्स कर दो किसका नाम? बी का नाम, बीज अकाउंट, और क्रेडिट में फिक्स कर दो होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ बिल, होल्डर ऑफ द बिल। देखो डेबिट में बी 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 और बी आ रहा है समझ में? ठीक है चलो, अभी आ जाओ रिटेनिंग में। क्रेडिट में क्या आएगा? अभी वो खुद बिल का होल्डर है, मैंने क्या लिखा यहां पे? क्रेडिट में क्या आएगा? होल्डर ऑफ द बिल। तो रिटेनिंग वाले केस में बिल का होल्डर कौन है? खुद ए है, लेकिन ए के बुक में खुद वो ए का नाम अपना नाम खुद के बुक में नहीं लिख सकता। ये अकाउंट्स का रूल है कि कोई भी बिजनेसमैन ओनर खुद के बुक में खुद का नाम नहीं लिखता है, तो वो खुद के नाम की जगह पर क्या लिखेगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, याद रखो आप लोग। इसके बाद ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, होल्डर ऑफ द बिल। तो क्रेडिट में क्या आएगा? होल्डर ऑफ द बिल। तो यहां पे डिस्काउंटिंग वाले केस में बिल किसने होल्ड किया था? बिल किसके पास था? बैंक के पास था। तो यहां पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट। और एंडोर्समेंट वाले केस में बिल किसके पास था? तो सी क्या था? होल्डर ऑफ द बिल। तो यहां पे क्या आएगा? टू सीज अकाउंट। और बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन वाले केस में बिल किसके पास था? बैंक फॉर कलेक्शन वाला। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट। बेटा आ गया समझ में? बेटे समझा क्या? ठीक है, तो ये हमने सीखा इन द बुक्स ऑफ ए की एंट्री। ए के बुक में एंट्री क्या होगी? वेरी सिंपल, डेबिट में बार बार बी 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 बी। इसका रीजन मैंने आपको दिया, क्योंकि डेटर्स क्या हो रहे? इंक्रीज हो रहे, बढ़ रहे हैं, तो डेबिट में बी बी बी। और क्रेडिट में क्या आएगा? होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास बिल होगा उसका नाम आ जाएगा क्रेडिट में। तो डिस्काउंटिंग वाले केस में बैंक के पास बिल था तो टू बैंक अकाउंट, और ये वाले केस में सी के पास था तो टू सी अकाउंट, और ये वाले केस में बैंक फॉर कलेक्शन वाले के पास था तो बैंक फॉर कलेक्शन। अब इन द बुक्स ऑफ बी, बी के बुक में एंट्री क्या आएगी? आप जरा मुझे बताओ, हॉर्नेट वाले केस में बी के बुक में एंट्री क्या थी? डेबिट टू कैश बैंक। हॉर्नेट वाले केस में एंट्री थी बी के बुक में बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लेकिन अब यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि यहां पे तो पेमेंट हो ही नहीं रहे, कैश बैंक गोज आउट हो ही नहीं रहे। हॉर्नेट में क्या हुआ था? पैसा जा रहा था बी के पास से, तो बी ने अपने बुक में लिखा कि मेरे पास से कैश बैंक जा रहा है, तो क्रेडिट वॉर्ड गोज आउट। लेकिन डिसऑनर्ड वाले केस में बिल तो बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, डिसऑनर्ड हो गया, पैसा नहीं जा रहा है। पैसा जाएगा फ्यूचर में, किसको जाएगा? ए को, ड्रॉवर को। तो आप जरा मुझे बताओ, ड्रॉवी के सोच के हिसाब से उसका क्या बढ़ गया? उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई, उसके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए,
और जब लाइबिलिटी बढ़ती है, क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, तो उसको हम किधर लिखते हैं? क्रेडिट में लिखते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हो, आ रहा समझ में? बट आप थोड़ा सा ट्रिक से समझो तो, हॉनर्ड में बिल्स पेबल टू कैश बैंक था, क्योंकि वहां पे पेमेंट हो रहा था तो कैश बैंक जा रहा था। बट अभी नाउ इन द केस ऑफ डिसऑनर्ड, पेमेंट नहीं जा रहा है ना, तो कैश बैंक क्यों लिखोगे फिर आप लोग? क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया है। अच्छा, पेमेंट जाएगा किसको? जाएगा ए को जाएगा, तो वो कैश बैंक के प्लेस पे क्या लिख दो? ए अकाउंट। आ रहा समझ में? तो चारों केस में एंट्री सेम रहेगा, ठीक है? सेम एज अबव, सेम एज अबव। सो डिसऑनर्ड वाले में फिक्स हो चुका है, बिल्स पेबल टू ए, बिल्स पेबल टू ए, बिल्स पेबल टू ए। और हॉनर्ड में क्या था? बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, बिल्स पेबल टू कैश बैंक, क्योंकि हॉनर्ड में कैश बैंक जा रहा था। बट यहां पे कैश बैंक नहीं जा रहा है, जाएगा कैश बैंक फ्यूचर में, किसको जाएगा? ए, उसका नाम लिख के रखो, दैट्स इट। आ रहा समझ में? तो हमने ये सीखा डिसऑनर्ड के अंदर चार केस, ठीक है? अब आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को हम लोग। अगर एक बार बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो स्टोरी फिर आगे बढ़ती है माय डियर। अगर हॉनर्ड हुआ तो स्टोरी वहीं पे खत्म, अगर हॉनर्ड हुआ तो स्टोरी वहीं पे खत्म, पेमेंट हो गया, खत्म कहानी। बट अगर बिल डिसऑनर्ड हो गया तो फिर क्या ए बी को छोड़ने वाला है क्या? ऐसा नहीं ना कि अरे बिल डिसऑनर्ड हो गया, छोड़ जाना, छोड़ो, कहानी खत्म हो गई। नहीं नहीं, पेमेंट देना पड़ेगा, अब स्टोरी आगे बढ़ेगी। अब बिल डिसऑनर्ड हो गया है तो फिर कुछ रीजन होगा इसके पीछे, कुछ कारण होगा कि बिल डिसऑनर्ड क्यों हुआ। तो फिर ए बी से बात करेगा कि बिल डिसऑनर्ड हो गया, आपने पेमेंट क्यों नहीं किया ऑन द टाइम, ऑन द ड्यू डेट। तो फिर बी अपनी प्रॉब्लम बताएगा कि ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम था, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। फिर बी ए से रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, थोड़ा समय चाहिए मेरे को। बट फिर भी दोबारा वापस से ए को बी को, बी के ऊपर ट्रस्ट, विश्वास नहीं है, क्योंकि एक बार बिल डिसऑनर्ड हो चुका है ना। तो फिर वो क्या बोलेगा कि अब मैं दोबारा वापस से नया बिल बनाऊंगा। बी ने बोला चलो ठीक है, अच्छे काम को नया बिल बना दो। लेकिन ए ने क्या कंडीशन दिया कि मैं नया बिल बनाऊंगा, बट अब मैं पहले की तरह आपको ऐसा फ्री नहीं छोड़ने वाला हूं कि चलो ठीक है 2 महीना ले लो और देना पैसा आराम से, फिर तुम्हारा क्या भरोसा, तुम दोबारा वापस से बिल को डिसऑनर्ड करवा सकते हो। तो मेरा बिल डिसऑनर्ड ना हो, मैं सेफ रहूं, और तुम भी टाइम पे पेमेंट कर दो कि भैया आपकी टाइम पे पेमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करता मालूम है, ए अभी भाई बी तुम जितना लेट पेमेंट करोगे या फिर जितने एक्स्ट्रा मंथ का तुम बिल बनवाओगे, तुमको उसके ऊपर क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? क्या पे करना पड़ेगा बोलो माय डियर? इंटरेस्ट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, बी है ना, बी बी सीधे बोलता है कि पेमेंट नहीं करूंगा, मेरी गलती नहीं, गलती आपकी है, ऐसा कुछ उनका झगड़ा हो जाता है। तो अभी ये वाले केस में क्या होता है, फिर ए है ना, ए हेल्प के लिए जाता है नोटरी पब्लिक के पास। मतलब अब स्टोरी में कौन आ रहा है? नोटरी पब्लिक आ रही है। कौन आ रहा है बेटा? नोटरी पब्लिक आ रही है, क्योंकि बी मान नहीं रहा है। बी क्या बोल रहा है कि मेरी गलती नहीं, गलती आपकी है, ऐसा वैसा, मैं आपको पेमेंट देने आया था, आप मुझे मिले नहीं, ठीक है, अब मैं पेमेंट नहीं दूंगा, ऐसा कुछ वो बहाने कर रहा है। मतलब पेमेंट करने में कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कर रहा, नखरे कर रहा है। तो फिर ऐसे केस में ए है ना, ए हेल्प के लिए किसके पास जाता है बोलो बेटा? नोटरी पब्लिक के पास जाता है हेल्प के लिए। फिर नोटरी पब्लिक आती है, केस की, केस का छानबीन करती है, एनालिसिस करती है, किसका फॉल्ट है, गलती किसकी है, फाइंड आउट करती है। फिर नोटरी पब्लिक ने पता लगा कि हाँ गलती किसकी है बोलो माय डियर? गलती है बी की, बी की वजह से बिल डिसऑनर्ड हुआ। तो जो ए है ना, ए ए एक रिटर्न फॉर्म में एक रिपोर्ट बना के देगी, हाँ गलती बी की है, और वो रिपोर्ट बना के देगा और वो रिपोर्ट दे देगा ए को। मतलब कि नोटरी पब्लिक ने ए को प्रोटेस्ट किया, ए को बचाया, एक रिटर्न, एक रिपोर्ट लिख के दिया कि मैंने सारे केस का एनालिसिस किया, रीजन को फाइंड आउट किया और गलती निकली बी की। तो उसको रिटर्न में वो लिख के देगा रिपोर्ट के अंदर कि हाँ गलती बी की है, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टिंग। तो नोटरी पब्लिक ने कुछ इस तरह से हेल्प किया, और नोटरी पब्लिक एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो उसने एक रिपोर्ट बना के दिया कि हाँ गलती बी की है, और वो प्रोटेस्टिंग पेपर, वो रिपोर्ट को लेके जाके वो मे बी ए कोर्ट में पेश करके अपना पैसे का डिमांड वहां पे रिक्वेस्ट करके, मतलब दिखा के हाँ भाई गलती बी की है, वहां से वो पैसा अपना ले सकता है। तो नोटरी पब्लिक जो आई है ना, वो तो फ्री में काम करेगी नहीं, थोड़ा बहुत तो चार्ज लेगी, सर्विस चार्ज। तो नोटरी पब्लिक क्या लेती है? नोटिंग चार्जेस,
क्योंकि वो आई, देखी, छानबीन की, उसने कॉजेस रीजन ढूंढा क्यों बिल डिसऑनर्ड हुआ, तो उसके रिटर्न में उसने क्या लिया, बोले सर्विस चार्जेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। तो अगर अच्छा मैटर नोटरी पब्लिक के पास कब जाता है, जब बी झिकझिक करता है पेमेंट करने में, आगे पीछे करता है तब। बट अगर आगे पीछे नहीं किया, उसने रिक्वेस्ट किया, अपना प्रॉब्लम बताया, ठीक है कि नया बिल बनाओ, रिन्यूअल करो, नया बिल बनाओ, तो फिर क्या होता है, ए नया बिल बनाता है, ए नया बिल बनाता है। बट उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि नया बिल बनाऊंगा, मुझे इतना इंटरेस्ट चाहिए, कुछ पैसे मेरे को अभी चाहिए एज अ पार्ट पेमेंट, फिर मैं नया बिल बनाऊंगा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि बी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो डिसऑनर्ड के बाद क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस, या फिर कुछ पैसे आपको तुरंत देने पड़ेंगे एज अ पार्ट पेमेंट, फिर जो बैलेंस बचेगा उसका नया बिल बनेगा। इसका मतलब कि डिसऑनर्ड के बाद और कितनी एंट्री नहीं आ गई, चार, नोटिंग चार्जेस, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल ड्रॉन। अब हम सीखेंगे नोटिंग चार्जेस की एंट्री, कौन सी एंट्री माय डियर, नोटिंग चार्जेस की एंट्री, नोटिंग चार्जेस की एंट्री। अच्छा नोटिंग चार्जेस का पेमेंट हो सकता है मे बी खुद ए भरे, क्योंकि ए ने बुलाया था नोटरी पब्लिक को, तो ए खुद भरे। अगर नोटिंग चार्जेस का पेमेंट खुद ए करेगा तो ए अपने बुक में एंट्री क्या पास करेगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, खुद पेमेंट कर रहा है तो उसके पास से पैसा जाएगा, कैश बैंक गोज आउट, तो यहां पे क्या आएगा, टू कैश बैंक अकाउंट, आ रहा है समझ में। बट बी के बुक में एंट्री क्या आएगी, अभी फाइनली वो नोटिंग का जो पैसा है ना वो किससे रिकवर होने वाला है, बी से रिकवर होने वाला है, तो बी अपने बुक्स में क्या लिखेगा कि मुझे नोटिंग का पैसा देना है, तो मेरे लिए नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस एंड लॉस है, तो क्या आएगा फिर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, वो तुरंत पेमेंट नहीं दे रहा है, पेमेंट देगा बट बाद में देगा, किसको देगा, किसको देगा, ए को देगा, तो टू एज अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये पेमेंट किसने किया, पेमेंट बाय ए, तो एंट्री क्या बनेगी, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और बी के बुक में क्या आएगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू एज अकाउंट। कुछ डाउट तो पूछ सकते हो बिंदास, यस, क्योंकि ऑन द स्पॉट नोटिंग का पैसा रिकवर नहीं किया जा रहा है बी से, बी देगा बाद में देगा, हो सकता है नए बिल में ऐड करके देगा, हो सकता है पार्ट पेमेंट में देगा, तो फिलहाल अभी बी अपने बुक में एक नाम लिख के रखेगा कि मैं नोटिंग का पैसा ए को दूंगा फ्यूचर में। यहां पे नोटिंग डेबिट में क्यों है, क्योंकि यहां पे ये नोटिंग चार्जेस किसके लिए, बी के लिए, एक्सपेंस एंड लॉस है, ठीक है। अच्छा यहां पे, अरे सॉरी यहां पे थोड़ा सा गलती हो गई बेटा, ओके हाँ, क्योंकि नोटिंग का पैसा किससे रिकवर्ड होगा, ड्रॉवी से होगा, ओके, तो बीज अकाउंट डेबिट, सॉरी माय डियर, ठीक है, क्योंकि नोटिंग का पैसा किससे रिकवर्ड होगा, बोलो बी से, तो बी का नाम लिख के रखेंगे, आ रहा है समझ में, बी से और पैसा आएगा बाद में फ्यूचर में, बिल के अमाउंट के साथ साथ में नोटिंग का पैसा भी उससे आने वाला है, तो डेटर्स बढ़ेंगे, तो बीज अकाउंट डेबिटेड, और ए ने पेमेंट किया उसके पास से कैश बैंक जाएगा, राइट, और बी ने वहां पे क्या किया, फाइनली बी पेमेंट करने वाले, नोटिंग का पैसा कौन देने वाला, बी देने वाला है, तो बी के लिए एक्सपेंस लॉस होगा, तो नोटिंग को वो डेबिट में लिख देगा, और बी के पास से कैश बैंक जा रहा है क्या, नहीं, फ्यूचर में जाएगा, किसको जाएगा, ए को, यस, ठीक है। अच्छा अभी पेमेंट कौन, पेमेंट बाय ए हो गया, अभी पेमेंट बाय बैंक, अगर डिस्काउंटिंग वाला केस रहेगा तो नोटिंग का पैसा मे बी कौन भर सकता है, बैंक भर सकती है, ठीक है, तो फिर अच्छा बट फाइनली किससे रिकवर्ड होगा, बी से रिकवर्ड होगा, उसका नाम लिख के रखो, बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एंट्री तो सेम आएगा ना, yes. एंट्री सेम आएगा, नोटिंग चार्जेस टू एज, अच्छा पेमेंट बाय सी
एंट्री सेम रहेगा. चलो बोलो, बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट. और यहां पर बी के बुक में एंट्री तो सेम रहेगा ना माय डियर, आ रहे समझ में? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एंट्री थोड़ी बहुत मैच कर रही है. किससे मैच कर रही है? डिसऑनर्ड से. क्योंकि डिसऑनर्ड में बार बार डेबिट में कौन था? बी 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 था. और क्रेडिट में कौन था बोलो? होल्डर ऑफ द बिल, होल्डर ऑफ द बिल. ये देखो बैंक, ये देखो सी. बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है. अगर इन द बुक्स ऑफ ए, अगर रिटेनिंग वाला केस होगा तो ए खुद भरेगा कैश बैंक. रिटेनिंग का पैसा ए खुद भरेगा तो डू कैश बैंक आ जाएगा. और सब कुछ तो सेम है, ऑलवेज डेबिट में बी और सी में होल्डर ऑफ द बिल. बस इन द केस ऑफ रिटेनिंग ए खुद पेमेंट करेगा तो फिर क्या होगा बोलो माय डियर? क्रेडिट में क्या आएगा? कैश बैंक, कैश बैंक गोज आउट. और बी के बुक में क्या आएगा बोलो माय डियर? एंट्री सेम आएगा. दैट्स इट. एनी डाउट्स? अच्छा हाँ, चौथा बाकी है बैंक फॉर कलेक्शन. बैंक फॉर कलेक्शन इसमें भी वही सेम चीज, सेम फंडा. बीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन. बीज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फॉर कलेक्शन. लेकिन ये जो है ना, ये एंट्री नहीं आता है, ये एंट्री नहीं आता है क्योंकि बैंक फॉर जो जो बैंक फॉर कलेक्शन वाला जो है ना, वो एक एजेंट की तरह काम कर रहा है. उसका कोई रोल ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि उसको पेमेंट जाने वाला नहीं है ना, पेमेंट हमको ही मिलने वाला है ना. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये तीन ही एंट्री आती है, ये नहीं आता है. क्योंकि बिल का पेमेंट किसको हो सकता है? ए को या फिर सी को या फिर बैंक को. बैंक फॉर कलेक्शन को पेमेंट नहीं होता है. ठीक है, तो वो पिक्चर में नहीं रहेगा ये तीन. ओके चलो, अभी स्टोरी को और आगे बढ़ाएंगे हम लोग. हमने क्या सीखा? नोटिंग. अब हम क्या सीखेंगे माय डियर? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की एंट्री. इंटरेस्ट की एंट्री ठीक है बेटा. अभी इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा राइट. ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट क्यों चार्ज हो रहा है? बिल डिसऑनर्ड हुआ है, बी ने रिक्वेस्ट किया कि नया बिल बनाओ, रिन्यू करो बिल को. तो बिल जितना ज्यादा लेट, मतलब कि अगर ज्यादा एक्स्ट्रा पीरियड लेगा, मतलब जितना लेट बनेगा, लेट मतलब समझ रहे हो, सपोज टू मंथ का, थ्री मंथ का, फोर मंथ का, वन मंथ का, मतलब वो बिल जितने एक्स्ट्रा मंथ के लिए बनेगा उतने एक्स्ट्रा मंथ का ए बी के ऊपर क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट. जरूरी है ना, इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा तो फिर वो दोबारा वापस से बिल को डिसऑनर्ड करवा देगा. फ्री रहेगा ना वो, इंटरेस्ट रहेगा, दबाव रहेगा तो बराबर टाइम पे पेमेंट कर देगा वो. ठीक है, तो इसीलिए इंटरेस्ट. अब ये जो इंटरेस्ट है, ये तो ए का फायदा है, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, आ रहा है समझ में? और ये इंटरेस्ट किससे मिलने वाला है? बी से मिलने वाला है फ्यूचर में. तो वापस से क्या हो रहा है? डेटर का वैल्यू बढ़ रहा है, डेटर का अमाउंट बढ़ रहा है. तो डेबिट में क्या आएगा? बीस अकाउंट डेबिट टू. इसके लिए इंटरेस्ट फायदा है माय डियर. इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट. ठीक है आ गया. चलो बोलो एंट्री. बीस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. डेटर का वैल्यू बढ़ रहा है इसीलिए बी डेबिट में आ जाएगा. और बी से पैसा आने वाला है, नाम लिख के रखेंगे. और ए के लिए वो इंटरेस्ट फायदा है, क्रेडिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस फायदा है माय डियर. और यहाँ पे बी के बुक में एंट्री क्या आएगी? बी के लिए वो इंटरेस्ट लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो इंटरेस्ट को डेबिट में लिख के रखेगा. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू. इंटरेस्ट का पेमेंट जा रहा है क्या? अभी पेमेंट हो रहा है क्या? नहीं होगा, फ्यूचर में होगा. नाम लिख के रखो टू एज अकाउंट. क्योंकि इंटरेस्ट से बी की लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो नीचे उसका नाम लिख के रखेगा. आ गया, इंटरेस्ट खत्म हो गया. अब अगला बोलो माय डियर.